हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत, मैं रेडी हो चुकी हूँ। सलोन तो नहीं जा रहे, मैं जा रही हूँ किसी को लेने के लिए। तो मेरी फैमिली में से आ रही है मेरी भतीजी, उसके हस्बैंड, एक छोटा सा क्यूट बेबी, तो उनको बस स्टैंड से लेके आना है। और रजनीश जी भी ऑलमोस्ट नहा धो के बैठे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं। इनका एक ही काम होता है, न्यूज़ देखना। फोन पे हो, टीवी पे हो, कहीं भी हो। सो गाइज, मैं पहले तो उनको लेके आऊंगी, फिर उस बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसकी आंखों में, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, दृष्टि हॉस्पिटल। तो वहाँ पे दिखाना है, तो वहाँ से आके फिर घर पे एंजॉय करते। फोन आ गया ना उनका बीच में। चलो, तो भी चल पड़े हम उनको लेने के लिए, बच्चों को। बच्चा ही बोलूंगी क्योंकि मेरी भतीजी है और उसका हस्बैंड है साथ में, तो मैं बुआ सास हूँ इस टाइम। देखा, फिर मैंने चुनी चनी ले ली। फुफड़ो तुसी एवें ना ज्यादा तैं तैं ना करो। फुफड़ जी, फुफड़ जी जा रहे आप देख नू लैण वास्ते, जवाई नू लैण वास्ते। जवाई आ रहा साडा। हां हां, पाम के सामने उतारा होएगा ना बस में। तो गाइस, फिर जो भी रहेगा आपको आगे दिखाते रहेंगे। सो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज, और लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो। ये जेन्युइन होता है, मतलब मैं बोलने का नहीं, प्लीज शेयर कर दिया करो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे उसे। जैसे कि मैंने बोला ही, अब थोड़ा सा मैं एक्टिव हो गई हूँ। एक शेयर करने पे आपको मिलेगी थ्रेडिंग फ्री। थ्रेडिंग फ्री मैं, और कई लोगों का कमेंट आया हुआ था कल कि आपने सलोन बेच दिया क्या? तो नहीं डियर, सलोन नहीं बेचा है। वो ये कि थोड़ा सा, मतलब मैं बिजी चल रही थी, तो सलोन की वीडियोस कम डाली हुई हैं। और मैंने कपड़े का काम इसलिए शुरू किया है साथ में, क्योंकि देखो सलोन पे भी अच्छा काम है, पर वहाँ के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सैलरीज ये वो सारी चीज़ें निकालना। तो अभी ऑफ सीजन भी है, तो मेरा ये दूसरे वाला जो है ना, ये मेरा शौक भी था। तो काम तो जितना देखो किया जाए उतना ही कम है, आगे बच्चे जवान हो रहे हैं, बहुत सारा कुछ करना है, तो मेहनत तो करनी चाहिए ना। तो वो वाला काम भी है, तो सलोन भी है, सलोन नहीं बेचा है। तो फटाफट से प्लीज शेयर कर दिया। पहुंच गए हैं गाइस यहाँ पे, उनको बस ने उतारा है, बहुत दूर उतार देते हैं एक तो बस वाले ना। बस क्या, फोन करूं उनको? दिख ही नहीं रहे कहीं, पता नहीं कहा है, बोलती हूँ इधर तो नहीं है। बोरी 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 वो आगे इधर से, मैं वीडियो बनाती रहेगी। पहली बार कड़ाह भी बनाने लगे गए क्योंकि हम पंजाबी आए, जो रजनीश की फैमिली आँगी उदो असं हलवा बनाने, कड़ाह बनाने, जो मेरी फैमिली आँगी उदो कुछ और बना लेंगे, क्योंकि अलग अलग रिवाज होंगे है ना। अरे आन भी ज़्यादा मिठा कड़ाह फेमस होंगे, असं हम सेवियां सुवियां बना लें। समर इधर नू, इधर हो के दस, जेड़ा तेरा नानू है ना, मेरा भरा है, पता तेन नानू सोना है ना, दस दे मामू सोना है कि नानू सोना है? नानू, नानू सोना है। मामा नहीं सोना, हैप्पी भी सोना है बेटा, नहीं सोना? दस दे तो तेरी दादी की में है, दादी नहीं सोनी है ना, है सोनी है, नहीं सोनी दादी तेरी, गंदी जी दादी है, नहीं जेड़ी गल बचड़ी दे बच्चे तरह ओ मुंह च पानी है। तो मैं सारे ने इंट्रोड्यूस करा देने, इन्हें मेरे भैन जी, मेरे कुड़मणी। तो मैं वीडियो बनाऊंगी, तुम्हें पता है सच, तुम तो पता ही होना, नहीं पता जो अस लड़गे ना, तो मेरी वीडियो बनाओ, जो लड़ी हो तो बनाओ।
ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀ ਲੜਦੇ ਕਰੋ ਜੀ ਆ ਕਰੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਨਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ 13ਵਾਂ ਫਲੋਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਉਵੇਂ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਏ ਪਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ ਸਮਰ ਆਜੋ ਸਮਰ ਵੇਖੇਗਾ ਸਮਰ ਜਾਣਾ ਪੂਲ ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸਮਰ ਤੇਰੀ ਚੇਅਰ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਵੱਡੀ ਏ ਵੱਡੀ ਏ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਮਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੰਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਲੋਨ ਦੱਸ ਦੋ ਵਧੀਆ 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 ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂ ਬਟਾ ਉਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਬਸ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਾਜਾ ਪੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੰਗਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕੁੜਮਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੁੜਮਣੀ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਈ ਉਧਰ ਵੇਖ ਅੰਜਲੀ ਉਹ ਜਵਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਚਸ਼ਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਖੰਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਰ ਜਾ ਖੇਲ ਲੈ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਨੀ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਖੇਲੇ ਅੱਜ ਕਲ ਕਿਆ ਹੁਆ ਥਾ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਕੀ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਸਲੋਨ ਸੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਐਕਚੁਲੀ ਬੱਚੇ ਕੇ ਜੋ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਦਿਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ ਐਕਚੁਲੀ ਉਸਕੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਕੇ ਛੋਟੇ ਹੋਤੇ ਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ ਇਸ ਲਈ ਵੋ ਦਿਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਤਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਥੇ ਮੈਂ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਥੀ ਵੋ ਗਿਰ ਪੇ ਥੇ ਤੋ ਕੁੜਮਣੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਨਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਗੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਤੋ ਵੋ ਹਮ ਤੋ ਘਰ ਪੇ ਥੇ ਔਰ ਦੀਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਥੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਵੀ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਚਲੀ ਗਈ ਥੀ ਉਸਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ ਤੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਸਲੋਨ ਗਏ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕੋ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮਤਲਬ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਮ ਬਾਤੇਂ ਹੀ ਗੱਪੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਮੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਥੇ ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਥੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਭੀ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਕਾ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਮੈਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਪੇ ਦੇਖਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਰੈਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਪੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਟ ਜੋ ਪੂਰੀ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਯੇ ਸਕਰਟ ਹੈ ਉਸਕੇ ਔਰ ਅਭੀ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਲੋਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੋ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਯੇ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੂੰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸਲੋਨ ਜਾਊਂਗੀ ਤੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਡਰੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਆਏਗੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਭੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹਾ ਥਾ ਬੀਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਡਾਲਾ ਕਰੂੰਗੀ ਤੋ ਵੋ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦੂੰਗੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਸੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਤੀ ਹੂੰ ਆਪਸੇ ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਐਸੀ ਸੀ ਇਹ ਡਰੈਸ ਮੈਨੇ ਰੈਡੀ ਕੀ ਹੈ
इसके साथ ना मैंने शॉर्ट कुर्ती रखी है और जिसकी स्लीव साइड से बंद है, थोड़ी सी आपको लूज लगेगी, इसको टाइट करूंगी। फ्रंट पे इसकी एक स्लीट है और साथ में स्कर्ट बनाई है मैंने। स्कर्ट के नीचे भी जो पर्पल कलर की मैंने दी है लाइनिंग, सॉरी पाइपिंग। और इसको जो है अभी ये मतलब तपाई वगैरह करने वाली है, जहाँ जहाँ होने वाली है, और बाकी प्रेस आइनिंग होके उसके साथ फिर दुपट्टा रेडी करूंगी। दुपट्टा भी 2-3 शेड का डाई करवाया है, उसको खुद रेडी करना है, प्लेन ऑर्गेंजा लेके उसको डाई करवा के फिर उसको रेडी करूंगी। तो कुछ ऐसी बनी है ये चीज। कैसी लग रही है ना तू? अच्छी लग रही है, ड्रेस अच्छी लग रही है ना। ये गाइस पार्टी वियर एक्चुअली, ये चीज जो इसमें वर्क है ये बहुत प्यारा है, और ये पार्टी वियर बनाई है। इसको पार्टी वियर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक सिंपल फंक्शन में भी पहन सकते हो, इजी होता है कैरी करना। थोड़ा सा जैसे लहंगा शौक होता है, पर जैसे मेरे जैसों का टमी आ गया तो लहंगा तो मैं पहन नहीं सकती, तो मैं ऐसा सा कुछ सोच रही थी कि आगे शादियां भी आने वाली हैं, आगे सीजन शुरू हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे स्कर्ट्स के साथ, और स्कर्ट का जो फ्लेयर है वो भी फुल है, ऐसा नहीं है कि छोटी सी स्कर्ट है, फुल फ्लेयर के साथ है। जब दुपट्टा रेडी हो जाएगा फिर दिखाऊंगी आपको। ऑर्डर करना है, जिन्होंने भी नंबर दिए हुए हैं बारे में जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। थैंक यू। तो भाई इधर हमारी टेंशन को आप देखो, और ये ड्रेस बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैंने दुपट्टा भी रेडी कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये पास्ता खा रही है, और ये कुछ ऐसी सी ड्रेस बनी है। इसके साथ मैंने डबल शेड का दुपट्टा, और इस दुपट्टे की लेस लगाई है, सेंटर में भी लेस लगाई है ये वाली, और बहुत ही प्यारा सा आउटलुक आया इसका। मैंने इसको दुपट्टे को 2 कलर इसलिए दिए हैं, थोड़ा 3D इफेक्ट आया इससे। खा ले, खा ले, मिर्ची नहीं है इसमें, खा ले। अच्छा लग रहा है ना रोनी, ड्रेस बताओ कॉकटेल लोगे? ठंडा पानी बस।